नजर आ सकती है, बट सोल की अगर यहाँ पर बात करें अभी तो थोड़ा टैक्सी टैक्सी खेला जा रहा है। लुक एट देम गो चिकन रशर्स वर्सेस टीम सोल। और ओमेगा की गाड़ी में बैठ के तमंगत एक समय के लिए ऐसा लगा कि उनको अपने घर लेके जाएंगे, बट ओमेगा गोल गोल गाड़ी घुमाई उन्होंने, अभी के लिए चेस करने की कोशिश करी जा सकती है। तो अभी मिल चुकी है चिकन रशर के, मंगत का बचना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। एंड यार ये फनी मोमेंट्स ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शुरू में आप उतरे हैं आपकी गाड़ी में, आपके अपोनेंट सवार हैं, आप जा सकते हैं एक लॉन्ग ड्राइव के ऊपर, बट आप अपनी कैवलरी को बुलाते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। यही मोमेंट्स और फिर क्लिप्स बना के देते हैं आपको इंस्टाग्राम पर डालने के लिए। लेकिन चलिए अगर बात करते हैं हम यहाँ पे शुरुआत, वो सोल के लिए काफी अच्छी होती दिखेगी क्योंकि अर्ली फेज में एक फिनिश मिल जाएगा, एक बढ़िया हेड स्टार्ट। लेकिन चिकन रशर्स उनके लिए नहीं क्योंकि उनका ये पहला मैच था। आपको एंटर करना टॉप 24 के अंदर, पहले ही मैच के अंदर कुछ शुरुआती के एक दो मिनट के अंदर अगर आप अपने एक प्लेयर को जी नहीं हो सीधा आते हैं, गाड़ी उनकी स्किड होती है, बट वही उनकी बात करेंगे। लेकिन 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 टीम सोल अपने आईजीएल को गवा चुका है, अब तीन प्लेयर्स के साथ उनको खेलना पड़ेगा। स्कारलेट्स ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, दिस इज द फर्स्ट मैच फॉर द टीम, देखना है कि क्या होने वाला है एक्चुअली फॉर दिस ग्रुप। स्कारलेट्स का ऑलरेडी कितना था तो अभी सेम प्लेयर वापस हो सकता है और सेम प्लेयर, एग्जैक्टली सेम प्लेयर था, मैप अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वो इससे थोड़ा सा उस टाइम कम था, अब तो और ज्यादा बूस्ट ही हो चुका है क्योंकि उस गेम के बाद तो अब जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, इट इज जस्ट अमेजिंग। जिस तरीके से टीम हर एक टीम को ढूंढ रही है, हंट कर रही है, टेक डाउन कर रही है, इट इज जस्ट अमेजिंग। बात करते हैं सर्कल की, आपको दिखेगा यहाँ पे शोर्स की तरफ को बहुत ज्यादा फेवर करता हुआ आर ई स्पोर्ट, देखेगी उन शोर्स को पकड़ते हुए इनसेन वो पकड़े बैठी है और ग्रेनेड टॉस करते हैं गॉब्लिन दिखने वाले हैं। एज आई सेड कि गॉब्लिन के लिए सर्वाइवल ये चीज एक नई चीज होने वाली है, देखते हैं किस तरीके से ये नई चीज इनको फेवर करती है या फिर इनके विपरीत जाती दिखेगी। गॉब्लिन यहाँ पे कोशिश करे ग्रेट टॉस करने का, बट साथ साथ जस्टिन भी ग्रेट लेके आगे आते देखेंगे। लेट्स सी कनेक्शन पहले कौन ढूंढ पाएगा क्योंकि अब गॉब्लिन की अच्छी बहुत कम और लीजिए वो मोलोटोव जो कि डेल्टा बीजी की तरफ से आया था, उसने कंफर्मेशन निकाल दी। देखिए स्नाइपर टावर के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब मल्टीपल एंगल से निकलना जरूर पड़ेगा। सावितार खत्म, अक्षत की बात करें वो दूसरे साइड एक्सो स्नैक्स के द्वारा डाउन हुए और एक्सो वर्सेस सोल ये फाइट है फैन फेवरेट क्योंकि लड़ाई है नंबर वन की। वेल बिल्कुल लड़ाई है नंबर वन की, देखते हैं कौन सी टीम सर्वाइव कर पाएगी। बट अभी के लिए गॉब्लिन यहाँ पे बचे हुए हैं, उनके साथ में आपको हेक्टर देखने को मिल जाएगा। इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर टीम सोल बिकॉज नेट तो यहाँ पे आने वाले पंखों, मेरे ख्याल से अंदाजा है कि प्लेयर कहाँ पे हो सकते हैं। गॉब्लिन पीछे जाते हैं आपको नजर जरूर आएंगे, शॉट उनके ऊपर आए, नेट आएगा और उनको भी नॉक डाउन कर दिया जाएगा। हेक्टर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, क्या हेक्टर यहाँ पे कुछ मजे करके दिखा सकते हैं, क्लच की दरकार जरूर है। बट अभी के लिए हेक्टर गन उन्होंने हाथ में ली जरूर है, उनके पास इतनी ज्यादा है नहीं, शॉट देने की कोशिश वो कर सकते हैं, बट स्नैक्स का जिगल आपको देखने को मिलता है टीममेट पे यहां पे करते नजर आए, बट वो बेट काम करा और टीम एक्सो जीत के गई इस पर्टिकुलर बैटल को। बट अभी खेल खत्म हुआ नहीं, यहां पे फाइट हो सकती With everything they got. मान्या HP बहुत ज्यादा कम, आप देखे मात्र केवल बैंडेजेस है, बूस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। अपोलो सामने नॉक और उन्होंने पोजीशन यहाँ पे दी होगी, आखिरी जो प्लेयर बचे थे उनको भी इसी के साथ खत्म किया जाएगा या फिर नहीं, चलिए वो निकल गए प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली। मुझे लगा था कि एक ही प्लेयर सर्वाइव कर रहे बट नहीं, नकुल अभी भी जिंदा रहेंगे यहाँ पे। मान्या वो नॉक कर दिए गए, नकुल लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से। MJ सामने मौजूद है, 1-1 का सिचुएशन चलता हुआ, देखना पड़ेगा कि कौन यहाँ पे जीतने वाले हैं। दोनों का ड्रॉप शॉट और नकुल एक बार फिर से अपनी टीम के लिए वो निग्मा गैलेक्सी का भी हम यहीं पे सफर समाप्त होते हुए देखेंगे, वो हम बाद में पता करेंगे, बट ग्लोबली स्पोर्ट्स इस वक्त काफी ज्यादा आगे। That was impeccable by Nakul. कहना पड़ेगा फॉर्म का एक बढ़िया मुजाहिरा दिया। सोल की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो दो प्लेयर नॉक पड़े, उनका रिवाइवल वो जरूर करना चाहता है, बट रेकनिंग जो डिस्परेशन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएगी क्या कुछ मैजिक यहाँ पे कर पाएगी। ओमेगा चाहते हैं एक प्लेयर को नॉक जाते जरूर करते, गाड़ी चलाना इस सिचुएशन में भारी पड़ता जरूर नजर आया, बट स्मोक करके अपने प्लेयर्स को बचाना। आई थिंक यहाँ पे स्पॉयलर्स बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ से आगे बढ़े, सोल के पास अभी भी मौका यहाँ पे बनेगा अपने प्लेयर्स को रिवाइव करने का। क्या स्कारलेट्स को पता है एग्जैक्ट पोजीशन टीम सोल के प्लेयर्स के बारे में? I'm not sure about that, but yes, अक्षत यहाँ पे आते हैं, प्लेयर को नॉक करेंगे जरूर, बट कबला बॉय उनका ध्यान नहीं था, उनको नॉक करा गया। अब सोमराज आगे बढ़ते आपको नजर आ जाएंगे, को यहाँ पे जरूर कर सकते हैं जिसके कारण वो यहाँ पे प्लेयर को खत्म भी मेरे ख्याल से कर देंगे, बट इट प्लेयर को यहाँ पे नॉक करते पेट का सारा, उन्होंने यहाँ पे जरूर लिया। हेक्टर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए क्या हेक्टर को भी नॉक करा जाएगा। सोमराज जिगल देखिए एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से पीक यहाँ पे कर रहे, बट व्हाट रेकनिंग आती है और दोनों टीमों को खत्म करते आपको नजर आ जाएगी। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल अ बैटल। चलिए एक्सो की स्कोर कम से कम पहला जो स्थान है वो हासिल करके रखेगी। सोल इसी के साथ एलिमिनेट हुई 13वें स्थान पे, बट साथ में स्काईलाइट्स की जो स्क्वाड थी वो भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। टीम सोल की बात करी जाए 6 फिनिशेस उन्होंने निकाले जरूर थे, बट इसी के साथ जो हम कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है, चलते हैं फटाफट से
ओवरऑल स्टैंडिंग्स की तरफ सबसे पहले नजर डालेंगे मेरे ख्याल से कि नंबर वन कौन है एक्सो। तीन दिन से सोल का डोमिनेशन देखने को मिला बट आज के दिन में सोल के तीनों मैचेस अच्छे नहीं गए जिसके कारण टीम एक्सो बनती है अब वीक वन में सबसे पहली टीम। बिल्कुल बट हैदराबाद हाइड्रास को आप देखें विदाउट इवन अ सिंगल चिकन डिनर 132 लेके वो बैठे हुए वहीं पे। केविन की बात करी जाए फाइनली वो ऊपर चढ़े टॉप थ्री में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल करी 140 अंक टोटल रहेंगे ग्लोबल। उन्होंने भी लंबा छलांग लगाया। ओजी की बात करें उनके पास भी छलांग रहेगी 126 125 गॉडलाइक की बात करें 125 आज का दिन बेहतरीन टॉप सेवन में अपनी टीम को लाके खड़ा किया इनसेन बेहतरीन पोजीशन पूरे मिरामार में उन्होंने किया है। सेकंड स्लाइड पे चलेंगे और भी बाकी सारी टीम्स हैं उनको हम लोग यहां पे देख रहे होंगे देखेंगे जो नौवां स्थान है वो किस टीम के पास ये 110 अंक। 7C आखिरी दिन हमने देखा है उनका कमबैक आते हुए और फाइनली वापस से वही चीज हम यहां पे देख रहे हैं 103 अंक दसवां स्थान एक लंबा जंप। TSM की बात करें 100 का आंकड़ा उन्होंने छुआ टीम में है। हाइड्रा की बात करें 15 स्थान टीम 8 बिट की स्क्वाड 16वें मैच देखिए और फिनिशर्स देखिए मेजी यहां पे मैं हैदराबाद हाइड्रास का एक्चुअली मैं डैमेज देख रहा हूं कि 67 फिनिशेस के बावजूद 15,000 का डैमेज उनके पास है। वहीं पे अगर एक्सो की बात करें 89 फिनिशेस निकाले 17,063 का डैमेज है। वहीं पे सोल की बात करें 74 फिनिशेस 16,139 का डैमेज उनके पास रहेगा। वहीं केविन ईस्पोर्ट्स की बात करें 59 फिनिशेस 13,320 का डैमेज। ओजी और अंगोटान की बात करी जाए तो 64 फिनिशेस 10,713 का डैमेज हमें देखने को मिलता हुआ। एवरेज सर्वाइवल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा केविन ईस्पोर्ट्स के पास है 19 मिनट 48 सेकंड का एवरेज सर्वाइवल टाइम हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे असिस्ट की बात करेंगे वो भी केविन ईस्पोर्ट्स के पास सबसे ज्यादा 52 असिस्ट उनके पास है। हेडशॉट की बात करें तो सोल और एक्सो बराबरी पे बस बिल्कुल नहीं।